नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो के अंदर। आज 90 सालों के बाद में एक ऐसे योग की उत्पत्ति हुई है जो योग 12 की 12 राशियों को बहुत बड़ा प्रभाव देने वाला है। बहुत सारी चीजें इस योग के कारण मिलने वाली हैं, बहुत कुछ हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन करने के शुरुआत इस योग से हो सकती है। मतलब आज के दिन से, अगर आप लोगों को लाइव सेशन याद होगा मेरा, तो मैंने बताया था कि लाइव सुबह उठकर सूर्य को जो लोग जल दे रहे हैं और आदित्य हृदय स्त्रोत्र का पाठ कर रहे हैं, वो जीवन के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धियों को पा सकते हैं। तो जिन जिन लोगों ने, वैसे तो ये वीडियो कल आना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश मैं ये वीडियो नहीं डाल पाया, तो जो लोगों ने सूर्य को जल दिया है या जिन्होंने नहीं भी दिया है कोई बात नहीं, सूर्य को नमन कर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, रोज एक नई शुरुआत करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे रास्ते खुलें, हम लोग चाहते हैं कि घर से नेगेटिविटी दूर हो, हम लोग चाहते हैं कि कठिनाइयां हमारे रास्ते में जो आ रही हैं, व्यापार में जो आ रही हैं, वो कठिनाइयां आगे आने वाले टाइम के अंदर हमें ना देखने को मिले। तो इसी प्रकार के हल पाने के इच्छुक आज के दिन में एक छोटा सा उपाय करें और जीवन के अंदर सुख शांति और समृद्धि को बनाए, परिवार के अंदर नई नई उपलब्धियों को हासिल करें। 90 सालों के बाद में ऐसा योग जो पौष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, दुनिया के अंदर एक बड़े बदलाव का कारण बन सकता है, दुनिया के अंदर नेगेटिविटी को खत्म करने का कारण बन सकता है। जो लोग डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट हैं, जो लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त रहते हैं, जिन लोगों के घरों में नेगेटिविटी रहती है, आज के लिए ये सर्वोत्तम दिन है कि वो अपने घर से इन सभी चीज़ों को दूर कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का दिन मतलब गुरु का दिन, गुरु के दिन में एक अच्छे नक्षत्र जिसको पूर्णवसु नक्षत्र के अंदर हुई शुरुआत और 8 बजे के बाद में पुष्प नक्षत्र का आना एक ऐसी चीज को हम लोगों के सामने लेके आया है जो अमृत सिद्धि योग के नाम से भी जाना जाता है। और अमृत सिद्धि योग हमेशा एक खुशहाली लेके जीवन के अंदर नई उपलब्धियों को जन्म देता है और इन उपलब्धियों के कारण जय श्री कृष्णा। किसी भी प्रकार की पारिवारिक परेशानियों का हल, हो रही जीवन में अनचाही घटनाएं, तरक्की का ना मिलना, शादी का ना होना, अगर आप लोग ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को कुंडली के माध्यम से दिखाकर अपने बारे में जानना चाहते हैं तो भारतीय एस्ट्रोलॉजी के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर संपर्क करें। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, जन्म का स्थान और जन्म का समय दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा। जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आती है जिनका हमको चाह कर भी इलाज नहीं मिल पाता। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ग्रहों की रेमेडीज़ को बताकर आप अपने जीवन को सुखमय व्यतीत कर सकते हैं और जीवन में हो रही अनचाही घटनाओं से मुक्ति पा सकते हैं। जो भी लोग संपर्क करना चाहते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करें। जय श्री कृष्ण। हम लोगों के जीवन के अंदर, आस पड़ोस के अंदर पॉजिटिविटी का भाव बहता है, घर परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि आती है, लक्ष्मी का आह्वान होता है। केवल छोटे छोटे उपायों को करके हम अपने जीवन की राह को पूर्ण रूप से बदल लेते हैं और इनमें अच्छे रास्तों को खोलने का कार्य करता है, इसके अंदर रुके हुए कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, शारीरिक और मन को मजबूत करने का कार्य करता है। रुकावटें ऐसी जिनको चाहकर भी हम लोग हटा नहीं पा रहे थे, उन रुकावटों को हमारे जीवन से हटाने का भी कार्य करता है। मतलब इतना प्रबल योग, इतनी ताकतवर योग जो पूर्ण रूप से नेगेटिविटी को निकाल दे और मनुष्य को मोक्ष के रास्ते की ओर ले जाए और मोक्ष की प्राप्ति कराने की ओर एक आगे कदम बढ़ा दे। तो इस प्रकार के कई योग कई सालों के बाद में आते हैं, जैसा मैंने बताया कि 90 सालों के बाद में ये योग आ रहा है। रात को आप लोग चंद्रमा को जब भी देखें, थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर चंद्रमा को जल अर्पित करें और चंद्रमा को जल अर्पित करने के बाद में घर के अंदर जाकर अपने मंदिर में घी का दीपक जोड़े, जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करें। माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी के आने वाले सारे रास्ते खुल जाएंगे।
साथ की साथ एक और घी का दिया, जो तुलसी, जिन लोगों के घर के अंदर तुलसी है वहां पर तुलसी में एक घी का दिया जरूर जोड़े, जिससे घर के अंदर पॉजिटिविटी का आह्वान होगा, नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होगी और रोग मुक्त घर होगा, घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। और इसके साथ साथ जो लोग रात को खीर बना सकते हैं, अमृत सिद्धि योग जिसको कहा जाता है, और अमृत सिद्धि योग एक ऐसा योग होता है जिसको हम ये मानते हैं कि जब समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत निकला था तो उसके कुछ अंश इस धरातल पर भी मौजूद थे, और चंद्रमा के कारण उसी प्रकार का अमृत हम लोगों को, जो खीर हम बनाते हैं उसको जब चंद्रमा की रोशनी के अंदर रखते हैं तो वो उसी अमृत के समान अमृत तुल्य हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रसाद माना जाता है, और लक्ष्मी जी के लिए जब इस खीर को पहले चढ़ाया जाता है और बाद में आपको चंद्रमा की रोशनी में रखकर घर परिवार वाले मिलकर बैठकर उसको प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो मन के अंदर एक ऐसी पॉजिटिविटी का आह्वान होता है जिसको हम लोग एक ये कहिए कि स्पिरिचुअल पावर के रूप में देख सकते हैं, कई रोगों को नष्ट करने के अंदर सक्षम होती है, घर की नेगेटिविटी को हटाने में सक्षम होती है, रोग जो बहुत ही पुराने चल रहे हो उन रोगों को निर्वाण कर, मतलब उन रोगों को अंत करने की ओर में सक्षम होती है, घर परिवार के अंदर सुख शांति को बढ़ाने में सक्षम होती है। तो मतलब इसकी जितनी भी बात की जाए उतनी कम है। तो 90 सालों के बाद में ऐसे नक्षत्र के अंदर पौष पूर्णिमा का आना हम लोगों को ये दिखाता है कि इन बुराइयों के समय में, इन नेगेटिविटी समय के अंदर कुछ ऐसे पल भी होते हैं जो मनुष्य को बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक, आप लोगों को सकारात्मकता का प्रयोग करके दुनिया के अंदर हम अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति की ओर ले जा सकते हैं। तो इस योग को व्यर्थ ना जाने दें, सभी राशियों को बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है, बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, और जो लोग दिल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करेंगे उनके सभी रास्ते खुल जाएंगे, माँ लक्ष्मी का आवाहन होगा, और घर के अंदर जब माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो दुनिया के अंदर हो रही कितनी भी बुराइयाँ हो, कितनी भी ये कहिए कि कितनी भी नकारात्मकता हो, लेकिन परिवार में सुख शांति का आवाहन रहता है, क्योंकि माँ स्वयं अष्ट भवानी है और वो जब घर में आती हैं तो घर के अंदर बहुत सारी खुशियों को अपने साथ में लेकर आती हैं। तो इस नक्षत्र को व्यर्थ ना जाने दें, प्रयोग करें, अपने जीवन के अंदर खुशहाली लाएं। आज के लिए बस इतना ही, सभी लोगों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना प्यार और समर्थन देने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।